नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम रिपेयरिंग सीख रहे थे और आज रिपेयरिंग की 31वीं क्लास है। तो देखिएगा, इससे पहले वाले क्लास में हमने LED पर प्रैक्टिकल सीखा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है लेड एसिड बैटरी। इसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से जानेंगे और इसके अलावा इसकी चार्जिंग को भी जानेंगे, क्योंकि देखिए रिपेयरिंग कोर्स में आपको बैटरी को चार्ज करना आना चाहिए। तो आज हम चार्जर बनाना भी सीखेंगे, कोई लेड एसिड बैटरी का चार्जर बनाना भी सीखेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज के टाइम में जो बैटरी यूज़ हो रही है वाहनों में, घरों में, इन्वर्टर पर जो बैटरी यूज़ हो रही है वह लेड एसिड बैटरी है। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, इसकी चार्जिंग के बारे में पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, चार्जिंग के बारे में आपको पता है तो आप चार्जर खुद बना सकते हैं और मार्केट में बेच भी सकते हैं, इसके अलावा रिपेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले लेड एसिड बैटरी के बारे में जितनी बेसिक बातें हैं वह जान लेते हैं। ये आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी देखिएगा, ये वही बैटरी है जो हमारे घरों में इन्वर्टर पर यूज़ की जाती है। तो दिखने में आपको पता है कैसी होती है, दिखने में कुछ इस तरीके से होती है। इसमें अलग अलग पार्टीशन बने होते हैं, कुछ इस तरीके से पार्टीशन बने होते हैं और यहाँ पर आपको टर्मिनल देखने को मिलते हैं और पार्टीशन के जस्ट ऊपर आपको प्लग देखने को मिलते हैं जिन्हें वेंट प्लग बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? वेंट प्लग। देखिएगा, इसी प्लग पर हम जो लेवल इंडिकेटर है वह लगाते हैं। लेवल यानी कि बैटरी में जो घोल है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसका लेवल कितना है उसे चेक करने के लिए यहाँ पर एक लेवल भी लगा होता है, जिससे पता चल जाता है कि बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट कितना है। देखिएगा, सबसे पहले हम बैटरी के बारे में बेसिक जानेंगे, उसके बाद में इसकी चार्जिंग सीखेंगे। तो देखिएगा, बैटरी में जितने पार्टीशन होते हैं, जैसे देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो आप ये मान करके चलिए कि ये जो पार्टीशन यह है, ये क्या है? अलग अलग बैटरी के सेल है। यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो बैटरी है लेड एसिड, उसमें कितने सेल होते हैं? 6 सेल होते हैं। क्योंकि देखिए, बैटरी की जो डेफिनेशन है वह भी यही है कि सेलों के समूह को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। देखिएगा, जितने पार्टीशन बैटरी में आपको दिखते हैं 1 2 3 4 5 6, उतने ही बैटरी में सेल होते हैं। देखिएगा, ज़्यादातर जो लेड एसिड बैटरी है वह 12 वोल्ट की बनाई जाती है। तो अपने घरों में जो इन्वर्टर पर जो बैटरी यूज़ होती है वह भी 12 वोल्ट की ही है। और इससे पहले वाले क्लासेस में मैंने आपको ये बता दिया है कि देखिए 12 वोल्ट के साथ साथ एक और रेटिंग यहाँ पर लिखी होती है, 10 AH हो सकती है, 50 AH हो सकती है, 50 AH हो सकती है, 100 AH हो सकती है। 100 AH की बैटरी घरों में यूज़ की जाती है इन्वर्टर के ऊपर। देखिए, इस AH का मतलब क्या है, इसे भी हम आज प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, ये बैटरी है, अलग अलग इसके आवरण है, अलग अलग पार्टीशन है, 1 2 3 4 5 6 सेल इसमें है। देखिए, 12 वोल्ट की बैटरी है, इसका मतलब एक सेल की जो वोल्टेज है वह 2 वोल्ट है। वैसे अगर प्रॉपर देखा जाए तो 2.1 वोल्ट एक सेल का EMF होता है। तो देखिएगा, हमने सेल को जोड़ना सीखा है, सोर्स को जोड़ना सीखा है, हम इसे समांतर में जोड़ सकते हैं, श्रेणी में जोड़ सकते हैं। देखिएगा, इसमें जो सेल होते हैं आपस में सीरीज में जुड़े होते हैं। देखिएगा, अगर सेल को हम सीरीज में जोड़ेंगे तभी तो वोल्टेज का मान बढ़ेगा। तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12, टोटल हमें कितनी वोल्टेज मिलती है? 12 वोल्ट मिलती है। तो ये होता है लेड एसिड बैटरी के अंदर सेल। अब बात करते हैं इसकी AH रेटिंग की। ये क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में देखिए, समझिए। देखिएगा, मान लीजिए ये एक बैटरी है जिसकी रेटिंग है AH। AH का सबसे पहला जो मतलब होता है वह है एम्पियर, एम्पियर, और H का मतलब होता है आवर, यानी कि एम्पियर घंटा, इसका मतलब होता है एम्पियर घंटा। देखिएगा, ये जो इसकी रेटिंग है, हम मान लेते हैं 50 AH है, 12 वोल्ट तो है ही, परंतु इसकी जो करंट रेटिंग है वह 50 AH है। तो
इसका देखिए मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि अगर आप इस बैटरी पे, जैसे कि प्लस माइनस यही बैटरी यहाँ बना रहा हूँ, सिंबल है बैटरी का ये, अगर आप इस बैटरी पे लोड जोड़ते हो, देखिए लोड जोड़ोगे तो इसमें से करंट फ्लो होगा और करंट की वैल्यू चेक करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, अमीटर लगा दिया। अगर आपने यहाँ पर लोड जोड़ा है बैटरी पर और एम्पियर मीटर आपका 50 एम्पियर बता रहा है और इसकी रेटिंग है 50 एएच, यानी 50 एम्पियर घंटा, इसका मतलब 50 एम्पियर के लोड पर यह बैटरी एक घंटा चलेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर लोड की वैल्यू कम हो तो लोड करंट का मान, मान लीजिए 10 एम्पियर हो, लोड करंट का मान 10 एम्पियर हो और बैटरी में है 50 एम्पियर आवर, तो इसका क्या मतलब है। अब आपसे कोई पूछे कि देखिए 50 एम्पियर की बैटरी है, 10 एम्पियर का लोड है, बैटरी कितना टाइम चलना चाहिए, तो देखिएगा बैटरी का करंट कितना है 50, लोड करंट कितना है 10, कितना आया 5 घंटे। यानी कि 50 एम्पियर की बैटरी पर 10 एम्पियर का अगर आप लोड डालते हो तो बैटरी जो है 5 घंटे चलेगी। ये होता है इस एएच का मतलब। देखिएगा अगर कोई बैटरी 150 एम्पियर की है, 150 एएच की बैटरी नॉर्मल घरों में मिलती है और हमारा जो लोड है वह सिर्फ 2 एम्पियर का है, हमने जो लोड डाला है सिर्फ 2 एम्पियर का है। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि ये बैटरी कितना टाइम चलेगी, तो देखिएगा 150 इसमें करंट है, लोड करंट कितना है 2, कितना चलना चाहिए 75, यानी कि ये बैटरी 75 घंटे तक करंट लगातार देती रहेगी। 75 घंटे चलने के बाद में ये बैटरी में जो करंट है खत्म हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये होता है इस करंट का मतलब। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एएच का मतलब क्या है। एएच है इसकी स्टोरेज क्षमता, ये कितना करंट अपने अंदर स्टोर कर सकती है। अगर ये सिर्फ 5 एम्पियर की हो तो अगर उस पर 2 एम्पियर का लोड डालें तो लगभग 2.5 घंटे ही यह चलेगी, इस तरह से होता है। तो ये होता है एएच का मतलब। अब देखिएगा मोबाइल, आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं, एंड्रॉयड फोन आ रहे हैं, उसमें लिखा होता है 4500 mAh। देखिए एएच का मतलब तो हमें पता है एम्पियर आवर, यहां पर एम लगा दिया, एम लगाने के बाद में क्या बन गया मिली एम्पियर आवर, मतलब कि ये जो 4500 है ये मिली एम्पियर है। इसको अगर वास्तव में हम एम्पियर में चेंज करके देखें तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की बैटरी 4.5 एएच की होती है। अगर कोई मोबाइल की बैटरी 5000 एमएएच है तो इसका मतलब है 5 एएच की बैटरी है। तो ये होता है। देखिए लेड एसिड जो बैटरी है लगभग सभी की वोल्टेज 12 वोल्ट ही होती है। देखिए हमारे जो बाइक में बैटरी डलती है वह भी 12 वोल्ट की है, इन्वर्टर पे बैटरी जो लगती है वह भी 12 वोल्ट की है और दोनों लेड एसिड बैटरी है। इसका मतलब बाइक की बैटरी इन्वर्टर पर लग सकती है या फिर इन्वर्टर की बैटरी बाइक पर लग सकती है। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, लग सकती है, परंतु स्टोरेज क्षमता जो है वो कम ज़्यादा होगी। बाइक में 10 एम्पियर की मैक्सिमम लगती है या 5 एम्पियर की लगती है और इन्वर्टर पर 100 एम्पियर की लगती है। मान लीजिए 100 एम्पियर की बैटरी 5 से 7 घंटा निकालती है तो उसके जगह अगर आप बाइक की बैटरी लगाते हो सकता है मुश्किल से 5 या 10 मिनट निकालें। तो ये होता है स्टोरेज क्षमता, परंतु कुछ टाइम तक चल सकती है, मतलब 5 या 10 मिनट, ये होता है स्टोरेज। अब बात करते हैं इसकी चार्जिंग की, इसे चार्ज कैसे किया जाए। देखिएगा देखिए करवाने को मैं हाई से हाई लेवल करवा सकता हूं, लेड एसिड बैटरी इतना बड़ा टॉपिक है कि 3 से 4 दिन भी अगर लगातार वीडियोस बनाया जाए तो भी खत्म ना हो, परंतु इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, रिपेयरिंग कोर्स का है तो जितना आपको जरूरत है उतना पढ़िए। और आपको मैं एक और सूचना देना चाहता हूं कि तकरीबन 2 से 3 दिन बाद मैं इस पर एक प्लेलिस्ट अपलोड करूंगा जिसमें कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सारे लेक्चर होंगे, तकरीबन 50 से 60 लेक्चर आपको मिलेंगे जिसमें कि आप कोई भी एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं टेक्निकल हेल्पर ही हो, DMRC हो सकता है, ISRO हो सकता है, PSTCL हो सकता है, PSPCL हो सकता है, इसमें आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कम्प्लीट पैकेज मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चार्जिंग की बात करते हैं, अगर कोई बैटरी 12 वोल्ट की है और उसकी जो करंट रेटिंग है वह है
सो ए एच। अब इसे आपको चार्ज करना है, देखिएगा चार्ज करने के लिए हमें एक सोर्स चाहिए जो कि इसको चार्ज करेगा, यानी कि चार्जर चाहिए। चार्जर बनाना बाद में सीखेंगे, परंतु हमें यह पता होना चाहिए कि चार्जर की वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, करंट कितना होना चाहिए। देखिएगा चार्जर, चार्जर हमें चाहिए। तो देखिएगा 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने वोल्ट की आवश्यकता पड़ेगी, सबसे पहले तो ये बात देखिएगा। देखिए बैटरी में वोल्टेज कितने हैं, 12। चार्ज करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए, इस 12 से 25% आप अधिक लगा लीजिए, बस इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 25% वोल्टेज। अगर ज़्यादा होगी तो बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। 12 वोल्ट का अगर आप 25% निकालते हैं, चलिए निकाल के देखते हैं, 12 का 25% कितना आया, 3 वोल्ट। यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए 3 वोल्ट आवश्यकता होती है, मतलब 3 वोल्ट ज़्यादा होने चाहिए। ये कोई भी बैटरी हो, बाइक की बैटरी हो, इन्वर्टर की बैटरी हो, देखिए इन्वर्टर की जो बैटरी है उसे भी तो इन्वर्टर ही चार्ज करता है, और इसे चार्ज करने के लिए तकरीबन 15-16 वोल्ट वह देता है। तो देखिएगा 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए 3 वोल्ट एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि हमारे पास जो चार्जर होना चाहिए, चार्जर होना चाहिए वह 15 वोल्ट तो मिनिमम होना ही चाहिए। 15-16 वोल्ट का चार्जर हमें चाहिए 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए। दूसरी बात, करंट, बात आती है करंट, करंट कितना दें। देखिए बैटरी में करंट भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, अगर बैटरी को हम ज़्यादा करंट पे चार्ज करेंगे तो बैटरी फूल सकती है, ख़राब हो सकती है। कम करंट पे चार्ज करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। देखिएगा कितना करंट होना चाहिए, तो देखिएगा थ्योरी के हिसाब से, अगर मैं आपको बताऊं थ्योरी के हिसाब से, डाटा जो डाटा है इसका, इसकी जो करंट रेटिंग है इसका 10% है। थ्योरी के हिसाब से थ्योरी यह कहती है कि जितना बैटरी में करंट है उसका 10% करंट पे आप उसे चार्ज कीजिए। तो अगर 100 एम्पियर की बैटरी है तो 100 का 10% यानी 10 एम्पियर, 15 वोल्ट 10 एम्पियर पर आप इसे चार्ज करिए तो बैटरी अच्छे से चार्ज हो जाएगी। परंतु इस 10% करंट में ये बैटरी बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, जिसके कारण बैटरी अच्छे से भी चार्ज नहीं होगी। बस ये थ्योरी का डाटा है, परंतु आपको जो मान करके चलना है वह मानना है 20%, यानी कि 100 एम्पियर की जो बैटरी है उसे आप 20 एम्पियर पर चार्ज कीजिए, बिल्कुल स्मूथ चार्ज होगी, बिल्कुल अच्छे से चार्ज हो जाएगी। चार्ज करने को आप 10 एम्पियर पर भी कर सकते हो, पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। बस आप 20% पे बैटरी को चार्ज कीजिए, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो 20% पे अगर आप बैटरी को चार्ज करते हो तो अच्छा बैटरी रिस्पांस देगी, अच्छा चार्ज होगी। देखिएगा चार्जर की वोल्टेज क्या निकली है, 15 वोल्ट और 20 एम्पियर। देखिए 15 वोल्ट 20 एम्पियर, 12 वोल्ट 100 एम्पियर की बैटरी को आसानी से चार्ज कर सकता है। तो ये थी चार्जिंग की वोल्टेज निकालना। इसके स्थान पर अगर कोई 8 एम्पियर की बैटरी है, 8 एम्पियर का 20% कितना होता है, देखिए 8 एम्पियर का 20% हमें निकालना है 1.6 एम्पियर। यानी कि 8 एम्पियर की जो बैटरी है उसे आप 1.6 एम्पियर, लगभग अप्रोक्स आप इसे 2 कर लीजिए या 1.5 एम्पियर कर लीजिए, इस पे आसानी से ये चार्ज हो जाएगी। तो देखिएगा आज मैंने आपको कितनी अच्छी बात बताई है कि बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें वोल्टेज कितनी आवश्यकता पड़ती है और करंट की क्या आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने आज आपको लेड एसिड जो बैटरी है उसे चार्ज करने का जो फॉर्मूला है, किस तरह से वोल्टेज कितनी चाहिए और करंट कितना चाहिए, मैंने आज ही आपको बता दिया है। अब अगली क्लास में हम इसका चार्जर बनाना सीखेंगे कि वास्तव में हमें प्रैक्टिकल में कैसे करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।